हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। महरिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, मैथ चल रहा है सिंपलीफिकेशन, और सिंपलीफिकेशन में नेक्स्ट सवाल देखिए दिया हुआ है बोर्ड पर। 2.5 माइनस 1 संपूर्ण बटे 3.25 माइनस 2.5 बाई 0.75 प्लस 0.50। इसको सॉल्व करना है, और आप जानते हैं कि ये जो है फ्रैक्शन है, और इसको सॉल्व जब भी करते हैं तो हम लोग नीचे की ओर से करते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सॉल्व होगा, फिर इसमें घटाएंगे, फिर सॉल्व होगा और बाद में पूरा सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं इसका है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। आइए मित्र, सॉल्यूशन देखते हैं। सिर्फ इसमें अंतर ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में दिया है, और जितना सवाल हम लोगों ने देखा वो फ्रैक्शन में था, और ये डेसिमल फ्रैक्शन में है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं इसको क्या होगा। 2.5 बाकी को कॉपी करेंगे, हमको काम यहाँ पर करना है, तो बाकी कॉपी होगा 1/3.25 - 2.5 बाय। अब देखिए 0.75 पॉइंट प्लस 0.05, इसको हम कर देते हैं 0.75 प्लस 0.50, ये दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 5, 7, 5, 12, 2, 1 1.25। तो इस दोनों को ऐड करके 1.25 हुआ, यहाँ लिख देते हैं 1.25। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ इस दोनों को ऐड किए हैं और यहाँ पर ला दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि 2.5 और 1.25 ये कैंसिल होने वाला है, दोनों कटने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2.5 माइनस 1 बाय ये होगा 3.25 माइनस, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको 2.5 को और बटे 1.25 को, तो 2.5 बटे 1.25 होगा ना गाइज। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो इसके बदले में डेसिमल का 1 और यहाँ एक लास्ट में एक अंक है, एक 1 डिजिट है तो 1 0, और इसका भी डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 2 डिजिट है तो 2 0 होगा। ये तो आप जानते हैं डेसिमल का रूल है कि जब आप दशमलव हटाते हैं तो उसके बदले में जितना उसके बाद जितना अंक राइट साइड रहता है उतना 0 आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.7 है, तो 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जितना डिजिट होता है राइट हैंड साइड में जितना भी डिजिट होता है उतना 0 आता है। तो यहाँ का अगर हमने डेसिमल यहाँ था इसको उड़ाया तो 1 आया, और यहाँ अगर 7 के बदले क्या होगा 1 0 आएगा। अगर यहाँ 0.755 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 755 यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बदले 3 0 डालेंगे। तो ये तो डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा, और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आइए अब क्या होगा गाइस, इसको जैसे यहाँ देखिए 2.5, तो इसमें क्या होगा, डेसिमल ख़त्म हो गया, ये कट जाएगा, 0 0 10 बचा। अब देखिए 25 5 125 पाँच बार में कट गया, और 5 2 10 यहाँ कितना आया 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, वो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्या होगा 3.25 माइनस 2 कुछ नहीं तो 2.0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं इस, ये जो 2.5 बटे 1.25 को सॉल्व किया हमने, ये कितना आया 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये क्या होगा 2.5 माइनस 1 बाय, जब 3.25 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.25। देखिए यहाँ है 3.25, अब माइनस कर रहे हैं 2.0, तो क्या होगा माइनस में 2.5 होगा 0.1, 1.25 हो गया। अब देखिए 25 है ना, 2.5 माइनस 1 बटे 2.5, हमने क्या कहा डेसिमल, जब भी फ्रैक्शन हम डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो क्या होता है, डेसिमल के बदले में हम 1 लिखते हैं, 1.25 है ना मित्र। तो अगर हम डेसिमल यहां से हटाएंगे तो इसके बदले में यहां क्रॉस में 1 होगा, और यहां 2 डिजिट है राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद, तो यहां 2 0 डालेंगे, मतलब जितना डिजिट होगा उतना डिजिट ऊपर आएगा, अगर ऊपर में डेसिमल है तो नीचे आएगा, इस तरह करके होगा। तो क्या हो गया 1.25, इसको लिख सकते हैं क्या 100/125 हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ देखिए ये होगा 2.5 माइनस 100/125 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 25 4 100 25 5 125 है ना, 25 5 125, ये क्या हो गया 2.5 माइनस, अब 4/5 आया, 4/5 को आप सॉल्व कीजिएगा 0.8 आएगा। देखिए 4 में भाग देंगे 5 से, 10.10 5 8 40, ये कितना हो गया कैंसिल, ये हो गया 0.8। तो 4/5 को, ये जो 4/5 हुआ इसको हम क्या लिखते हैं 0.08, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 1.7। देखिए 2.5 में 0.8 माइनस करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो है, यहाँ से वन आएगा, 15 में 87 होगा, यहाँ वन बचा, 1.7 आया, तो ये क्या हो गया 1.7, और यही जो 1.7 निकला मित्र, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या है, 2.5 माइनस 1/3.25, तो हमने क्या कहा इसको नीचे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन था हमने इस पर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया, इस पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, और इसमें क्या आया मित्र, तो 2.5 बटे इस दोनों को ऐड किया हमने, 0.75 को पॉइंट क्या हो गया 0.15, वह अब 2.5 बटे 1.25, फिर इसको सॉल्व किए, यहाँ यहाँ हमने सॉल्व किया, क्या हुआ 2.5 बटे 1.25, तो आप इसको जब कीजिएगा डेसिमल उड़ा करके 25 × 125, 5 × 10 2 आ गया, तो इसको जब हम साइड में सॉल्व करेंगे, जो कि हमने करके दिखाया है यहाँ पर आपको ये वाला में, तो ये सॉल्व होकर के कितना आया 2 आया। ठीक है, ये आ गया 2। अब 3.25 में 2 माइनस किए कितना आ गया 1.25, 2.5 माइनस 1.25 जानते ही हैं, यहाँ से डेसिमल हम हटाए तो क्या आ गया 100 ऊपर आ गया और 125 नीचे हो गया, ये हो गया 2.5 माइनस 100/125, इसको करा दिए 25 × 100, 25 × 125, ये हो गया 4/5, 4/5 को दशमलव बदलेंगे 0.8, तो 2.5 माइनस 0.8 1.7, और जो ये 1.7 आया यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस फ्रैक्शन का, है ना, तो इस भिन्न का जो सॉल्यूशन होगा कितना हो गया 1.7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।